चलिए आपको अब लिए चलते हैं गुना जिला अस्पताल, जहां व्यवस्था अव्यवस्था और कुव्यवस्था सब एक ही है। हाँ, लेकिन सिविल सर्जन साहब के नजरिए से सब ठीक है। देखिए आप भी। हे आदरणीय माननीय अस्पताल अधीक्षक जी, जाग जाइए। हे आदरणीय माननीय सिविल सर्जन जी, जाग जाइए, जाग जाइए, क्योंकि आप तो एसी की ठंडी ठंडी हवा में गहरी नींद में गोता लगा रहे हैं, लेकिन गुना जिला अस्पताल में आपकी ही नाक के नीचे मरीज आईसीयू में कूलर पंखा चला रहे हैं। जागिए क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, जागिए क्योंकि अस्पताल में हाहाकार है, जागिए क्योंकि मरीज लाचार हैं। जाग भी जाइए श्रीमान, क्योंकि 6 महीने से मरीज हैं हलकान। व्यवस्था अव्यवस्था और कुव्यवस्था का भेद आपको पता होगा, लेकिन आपके जिम्मे वाले अस्पताल में कुव्यवस्था ही अव्यवस्था और अव्यवस्था ही व्यवस्था बन चुकी है। अपने ही अस्पताल का दौरा करने की अगर फुर्सत ना हो तो चलिए न्यूज 18 लिए चलता है आपको आईसीयू वार्ड की हकीकत दिखाने। आपको तो पता होगा आईसीयू में गंभीर मरीज होते हैं, यहां लगी मशीनें सही तरीके से काम करें इसके लिए तापमान भी निश्चित होना जरूरी है। भाई आप तो चिकित्सक हैं, हर बारीकी जानते हैं, हर बारीकी समझते हैं। कूलर और पंखे लेके आए थे, उसमें कैसे आप शॉर्ट आउट करेंगे? आज मेरे को सुबह एक खबर मिली है, छुट्टी में गया था तभी लौटा, आज खबर मिली तो आईसीयू में 2 मरीज पाए गए और वहाँ पे एसी काम नहीं कर रहा, तो ये समस्या काफ़ी पहले से है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। उसमें लंबे चौड़े बजट की आवश्यकता है, भोपाल की कंपनी उसको बोल रखा है, परंतु मैंने ये भी पाया कि जो मरीज के अटेंडर्स थे उन्होंने चूंकि एसी नहीं चल रहा, सिस्टर से मांगते तो सिस्टर पंखे भी दे देती, जोर जबरदस्ती करके अपन अपने नागरिक हितों का दुरुपयोग करके राजकीय संस्था में आईसीयू जैसी महत्वपूर्ण जगह पे ऐसी खतरनाक विकल्प लगाना तो गलत है। वाह श्रीमान, धन्य हैं आप और आपकी दलील। आपको किसी अपने की सेहत को लेकर पहले से परेशान मरीजों के परिजनों की गलती तो नजर आती है, लेकिन भीषण गर्मी में 40 डिग्री तापमान में अपने ही अस्पताल की कुव्यवस्था को आप अद्भुत तरीके से नजरअंदाज कर जाते हैं। मरीजों का कहना है करीब हमको 15 दिन भर्ती हुए हो गए, हम डॉक्टर और सबसे कह चुके हैं एसी बंद है। मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है, और अगर डॉक्टर्स को उन्होंने बताया होता तो ऐसा संभव नहीं है कि डॉक्टर कोई हवा पानी का इंतजाम ना करते। ये तो और भी गजब कहा आपने, आपको पता नहीं मरीज मन मर्जी कर रहे हैं, कोई रोकने वाला है नहीं, डॉक्टर से बोलते तो व्यवस्था हो जाती, तो इसका जवाब भी दे ही देते कि आखिर परिजन क्यों घर से ढो ढो कर अस्पताल में व्यवस्था बनाने को मजबूर हो गए। कूलर वगैरह कहाँ से लेके आए? कूलर हम घर पे लेके आए, सामान अपनी व्यवस्था से लेके आए हैं। ये पंखा वगैरह सब आप लेके आए घर से? हाँ? सब कूलर पंखे आप लेके घर से आए? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं। तो आईसीयू है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल का? हाँ। आपने बोला नहीं डॉक्टर से? बोला था ना। क्या बोले? नहीं कि फिर दिखवाएंगे, बहाने बनाते रहे कि हम दिखवाएंगे, कुछ चालू करवाएंगे। कितने दिन हो गए एडमिट हुए? 15 दिन। सच तो यह है श्रीमान की हकीकत के आईने में आपके द्वारा सब सही चल रहा है वाली बात का सच साफ साफ दिखाई पड़ता है। आपसे बस निवेदन यह है कि आदरणीय जाग जाए। विजय जोगी, न्यूज 18, गुना। इसी के साथ ही बुलेटिन में फ्लाइट राही। नमस्कार।